आज सारा विश्व कोरोना नाम की घातक बीमारी से जूझ रहा है। इस महामारी से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सरकार, प्रशासन और डॉक्टर महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, पर इनके साथ ही इस बीमारी को नियंत्रित करने में हमारे देश के पुलिसकर्मी भी बहुत सारा योगदान दे रहे हैं। यह कहना है नामदारी पंथ के मुखी ठाकुर दिलीप सिंह जी का। ठाकुर जी ने कहा, हमारे पुलिस कर्मचारी दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, कोई भी त्यौहार हो, आप पुलिस को अपना फर्ज निभाते हुए अक्सर देखते हो, और अब जबकि हमारा पूरा देश इस महामारी से त्रस्त है, फिर भी वो अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान बचा रहे हैं। इसलिए हमारे पुलिस कर्मचारी बधाई और सराहना के योग्य हैं। इस महामारी के समय पुलिस जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से रोजाना काम आने वाली वस्तुएं उपलब्ध करवा रही है। ठाकुर जी ने सारे भारतवासियों को कहा कि आप सब भी पुलिस कर्मचारियों की सराहना करें, शोभा करें और जलपान भी करवाएं, और बिना किसी कारण कभी भी पुलिस वालों की निंदा ना करें। आप उनके अच्छे कार्यों की तारीफ करें और उनको ये भी बता दिया करें कि आप उनको अपना चरित्र और भी बढ़िया बनाने के लिए निर्दोष और गरीबों को परेशान मत किया करो। ठाकुर दिलीप सिंह जी ने कहा कि गुरबाणी अनुसार हर आदमी को अपनी बुराइयों को दूर करना चाहिए। किसी की अच्छाइयाँ देखो, किसी की बुराइयाँ मत देखो, किसी की अच्छाइयाँ देखकर उनकी शोभा करो। कानपुर से हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मनमोहन सिंह, क्या लॉकडाउन के लेके क्या क्या सामग्री वितरण कर रहे हैं, क्या क्या जनता को अपील कर रहे हैं? ठाकुर दिलीप सिंह जी की जैसे प्रेरणा है और उसी प्रेरणा के तहत हमने इसी कोरोना महामारी के बीच करीब 150 परिवारों को राशन वितरण भी किया, और अब हम पुलिस कर्मचारियों को, जो कि बेचारे इस महामारी में कोरोना योद्धा के रूप में 18-18 घंटे पुलिस कर्मचारी जो कि ड्यूटी करते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, उन त्यौहार तक में उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस कर्मचारियों को फल है, फ्रूटी है, इस तरह की सेवा उनके पास जाके की है। ये लगभग कितने दिनों से आप ये कार्य कर रहे हैं? इस कार्य, जब से ये कार्य चल रहा है, वैसे हमारा प्री विद्यादान क्लास जो है 3 साल से चल रहा है, और वहाँ पे बच्चों को राशन वितरण है, इस तरह लगातार ये सेवा चलती रहती है। कहाँ कहाँ ये आप लोग ने करी थी? ये दादा नगर एरिया, विजय नगर एरिया, बारा देवी, गोविंद नगर, चावला मार्केट, बर्रा, जनता नगर चौकी, बर्रा बाईपास तक हम गए इस चीज के लिए। अच्छा, ये कोरोना वायरस को लेकर जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसको अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता से अपील करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? जनता से अपील ये है कि जैसे सरकार कह रही है आपको उसी हिसाब से चलें, एक दूरी बना के रखें और सरकार का पूरा सहयोग करें इसमें। बस यही आपसे कहना है कि इस दूरी को बना के रखिए, ताकि इस महामारी से आप भी सुरक्षित रहेंगे और पब्लिक भी सुरक्षित रहेगी।